हेलो फ्रेंड्स, टुडे इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग समथिंग अबाउट दी RFID कार्ड फ्रॉम टाटा पावर EZ चार्ज ऐप। सो वाया दिस ऐप यू हैव टू वाया दिस RFID कार्ड यू डोंट हैव टू यूज़ ऐप, यू जस्ट हैव टू पुट सम यूनिट्स इन दी ऐप, लाइक 20 यूनिट्स और 30 यूनिट्स, एंड यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ बैलेंस। आपके जो टाटा पावर जो हमारी टाटा पावर EZ चार्ज ऐप है उसके अंदर बैलेंस जरूरी बैलेंस होना चाहिए, और साथ में ही आप उसके अंदर सिलेक्ट करेंगे कि कितना किलोवाट चार्जिंग आपने करनी है, 20-30 जैसे भी आपने करनी है। तो देखिए, सो लेट्स सी ये कैसे हम इसको इनिशिएट कर सकते हैं। सो आपने यहाँ पे चार्जिंग कर निकाली और हमें चार्जिंग कर प्लेस करी अपनी चार्जिंग सॉकेट में, और हम यहाँ पे अब कार्ड को स्कैन करेंगे। यहाँ पे है RFID कार्ड, सो लेट्स सो नाउ इट इज सेइंग वेटिंग वेट फॉर द EV रिस्पॉन्स। सो अगर हम इधर आके इसको दिखाएंगे तो इट्स शोइंग वेटिंग फॉर, सो नाउ यू कैन सी द EV स्टार्टेड टू चार्ज। चार्जिंग इज जस्ट वेटिंग EV, सो चार्जिंग इज बिगन। तो हमने कार्ड से चार्ज इनिशिएट किया और चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। दिस इज हाउ इट्स वर्किंग। तो अब हमें इसको, नाउ वी हैव टू सी हाउ टू क्लोज द चार्जिंग। सो इसी कार्ड से ही हम इसको बंद कर सकते हैं। सो लेट्स, ये कार्ड मेरे पास है, दैट्स इट। सो ये प्लग इन प्ले है। ओनली थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट द यूनिट्स इन योर ऐप, एंड यू हैव टू हैव मिनिमम आई थिंक 500 बैलेंस। इट्स नॉट दैट कि मिनिमम 500 ही चाहिए, जितने आपने यूनिट गाड़ी के अंदर सेलेक्ट किए उतना आपको बैलेंस रखना ज़रूरी है, सो दैट यू कैन इनिशिएट इट बाई द कार्ड। सो आपको ऐप की ज़रूरत नहीं है स्टार्ट में, बस आपको ऐप जब ऐप ओपन करनी है उसमें आपने EZ कार्ड में जाके बस यूनिट सेलेक्ट करने हैं, और एक मिनिमम अमाउंट का बैलेंस आपको उस यूनिट के रिस्पेक्टिवली चाहिए। सो आप इसी से इनिशिएट कर सकते हैं और इसी से ही बंद कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।